हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम दो कलर में बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान तरीके से बनाने वाला डोरमैट बताऊंगी मैं आपको। इसे आप डोरमैट में यूज कीजिए, पूजा आसन में यूज कीजिए, आप इसे टेबल मैट में यूज कीजिए। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दो कलर की चुन्नी की पट्टी ले ली है। देखिए, ये एक मैरून कलर लिया है मैंने और ये येलो कलर। इसकी मैंने एक एक सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी काट ली है। देखिए इस तरह से, ये मैंने पुरानी चुन्नी से काटी है। आपके पास अगर पुरानी चुन्नी या साड़ी है तो आप पुरानी चुन्नी या साड़ी से बना सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी चुन्नी साड़ी नहीं है तो आप मैक्रम या ऊन से भी से बना सकते हैं। आपके पास जो भी पुराने वेस्टेज कपड़े हैं उनसे भी आप इस मैट को बना सकते हैं। तो देखिए, इतनी चौड़ी पट्टियाँ काट ली है मैंने। इसमें मैंने 8 नंबर के नीडल्स ले ली हैं। फ्रेंड्स देखिए, बनाने के लिए हम यहाँ पर फंदे डालेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं इसमें 20 फंदे डालूँगी। इस तरह से बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं इसमें फंदे डालूँगी। एक नोट बनाएंगे ऐसे, ये देखिए इस तरह से एक नोट बनाया और यहाँ पर हम 20 फंदे डालेंगे। एक, ये दो हो गए, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस और ये 20। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। 20 फंदे डालने के बाद देखिए इस रो को हम बनाएंगे। देखिए एक रो, ये इस तरह से देखिए आराम से बुनेंगे। फर्स्ट सिलाई को हम बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसमें फंदे डाले हैं। बहुत ही आसान है ये फंदे डालना और ये मैट बनाना भी बहुत ही इजी है। इसे बिगनर भी आसानी से बुन सकते हैं। देखिए और बहुत ही सुंदर बन के आएगा। अगर आपके पास पुरानी चुन्नी या साड़ी नहीं है तो आप इसे ऊन से बना सकते हैं। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा प्यारा सा डोरमेट कैसा लगा। तो देखिए, ये मैंने यहाँ पर 18 फंदे बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर येलो कलर लगाएंगे। इस तरह से देखिए, यहाँ पर हम येलो कलर लगा लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और ये वाली सीधी साइड है। तो यहीं से हम येलो कलर लगाएंगे। देखिए, दो फंदे हम येलो कलर से बना लेंगे। देखिए, इस पट्टी को साथ में दबा लेंगे और जो ये मैरून पट्टी है इस पट्टी को भी हम साथ में इस तरह से दबा लेंगे ताकि हमारा उल्टी साइड भी फिनिशिंग के साथ बन के आए। देखिए इस तरह से दबाएंगे ऐसे, ये देखिए ऐसे, उसे टाइट कर देंगे। यहाँ पर देखिए, सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से हमें इन्हें बनाना है।
सीधी साइड से हमें कोई भी चेंज नहीं करना। आप देखिए येलो पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और मेहरून पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे। देखिए क्रॉस करवाते हुए कीजिएगा आप, वरना यहाँ पे हमारा होल बन के आ जाएगा। ये देखिए सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं वैसे ही बनाने हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। ये देखिए आपके पास जो भी कलर है, मैंने इसे मेहरून और येलो कलर से बनाऊंगी मैं, आपके पास जो कलर है आप उसी कलर से बना सकते हैं। ये देखिए और लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से, वापिस यहीं से पलट जाएंगे। इस फंदे को बगैर बुना उतार लेंगे इस तरह से, और देखिए चलिए रो बनाने के बाद देखो। ये देखिए दो फंदे हम फिर से येलो कलर के बना लेंगे। उसके लिए देखिए मैरून पट्टी को हम आगे की तरफ लेके आएंगे इस तरह से, और मैरून वाले दो फंदे येलो कलर से बना लेंगे इस तरह से। देखिए और जो ये पट्टी है इसे इस तरह से दबा लेंगे। और देखिए इस फंदे को उतारेंगे इस तरह से, उतार लेंगे हम और इस पट्टी को अपनी तरफ लेके आएंगे ऐसे। और जो फंदे येलो कलर के हैं उन फंदों को येलो कलर से बना लेंगे, येलो पट्टी पीछे की तरफ करेंगे और मैरून पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे, और सभी फंदे मैरून कलर से बना लेंगे। आप इसे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं तो दो के मल्टीपल से आप इसमें फंदे कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ पर 20 फंदे से बनाऊंगी, आप इसे 24 फंदे से बना ले, 22 फंदे से बना ले, 28 फंदे से बना ले, दो के मल्टीपल में जितना मर्जी बड़ा आप बनाना चाहें बना सकते हैं। और देखिए लास्ट का फंदा हम फिर से सीधा बना लेंगे इस तरह से, धागा पीछे करके और इसे सीधा बना लेंगे इस तरह ऐसे। उल्टी सिलाई में देखिए इस फंदे को हम बगैर बुना उतार लेंगे और सभी फंदे देखिए लास्ट के दो फंदे हम फिर से येलो कलर के बनाएंगे, बाकी सभी फंदे मैरून कलर से बना लेंगे। बहुत ही इजी है इसे, बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे और देखने में बहुत ही सुंदर बन के आएगा। ये देखिए इस तरह से फिर येलो पट्टी को मैरून पट्टी को आगे की तरफ करेंगे और दो फंदे मैरून कलर से येलो कलर से बुन लेंगे इस तरह से। देखिए ऐसे ये देखिए इस तरह से बन के आएगा। और देखिए ये जो येलो फंदे हैं इन फंदों को येलो कलर से बना लेंगे। सीधी सिलाई में हमें जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे।
देखिए, आप इसे तीन कलर में भी बना सकते हैं, इसे आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। देखिए इस तरह से बनता हुआ आएगा। और यहाँ पर देखिए इस फंदे को हम फिर से उतारेंगे। ये देखिए, और दो फंदे फिर से येलो कलर के बना लेंगे, मेहरून वाले। इसी तरह से हर बार हमें दो दो फंदे मेहरून कलर वाले येलो कलर से बनाते हुए जाना है। देखिए हमारे इस साइड येलो फंदे बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर हमारे मैरून फंदे दो दो घटते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से बनता हुआ जाएगा। और सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर से हैं उसी कलर से बना लेंगे। देखिए पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे और मेहरून पट्टी को आगे की तरफ लेके आएंगे। ऐसे ही बनाते हुए देखिए हम दो दो करके मेहरून वाले फंदे सभी येलो कलर से बना लेंगे और यहाँ पर मेहरून वाले दो दो फंदे घटाते हुए हम येलो कलर से बनाएंगे। देखिए इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, धागा पीछे करेंगे और ये फर्स्ट वाला फंदा सीधा बना लेंगे ऐसे। ये देखिए मैरून वाले दो फंदे हम फिर से येलो कलर से बना लेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से। यहाँ पर देखिए सीधी सिलाई में जो फंदा जिस कलर से है उसी कलर से बना लेंगे। और पट्टी को पीछे की तरफ करेंगे, मेहरून पट्टी आगे की तरफ लेके आएंगे। देखिए इस तरह से क्रॉस कराएंगे हम, इस पट्टी को ऊपर से नीचे की तरफ लेके जाएंगे और इसे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। और इस तरह से देखिए लास्ट का फंदा हम सीधा बना लेंगे इस तरह से। देखिए दो दो करते हुए हम ये मेहरून वाले सभी फंदे येलो कलर से बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ तक बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। ये देखिए जो ये दो फंदे मेहरून कलर के मैंने यहाँ पर छोड़ लिए हैं और दो फंदे अब हम दो दो करते हुए जो येलो वाले फंदे हैं उन्हें मैरून बनाते हुए जाएंगे। और दो फंदे यहाँ पर हम फिर लास्ट में
येलो कलर के छोड़ देंगे। अब की बार हमें मैरून वाले फंदे येलो वाले फंदे मैरून बनाते हुए जाना है। तो चलिए मैं इसे आपको थोड़ा सा बनाने के बाद दिखाती हूँ कि ये हमारा मैट किस तरह से बन के आएगा। देखिए ये हमारा इस तरह से बनता हुआ जाएगा। अब की बार हमें ये मैरून येलो वाले फंदे मैरून कलर से बनाते हुए जाना है। ऐसे बहुत ही इजी है, बहुत ही आसानी से आप इसे बना लेंगे। तो चलिए मैं थोड़ा सा और बनाने के बाद आपको इसे दिखाऊंगी।